वंदना जी, अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद, इतनी गंभीर मुद्दे पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी आज तो मतलब हद ही हो गई, जो आज एमसीडी सदन के अंदर हो रहा है, जो किसी को नहीं पता, किसी भी, मैं भी वहाँ की विधायक के रूप में नॉमिनेटेड, इसी सदन ने हमें नॉमिनेट किया है और मैं नॉमिनेटेड वहाँ की एमएलए हूँ और सदन की मेंबर हूँ। सर जिस तरीके से आज एक डिसीजन सुना दिया गया जो 1 बजे कोई अधिकारी बैठेंगे वहां पर और ये सदन को चुन लिया जाएगा, वहां मेंबर चुन लिया जाएगा और उसका चुनाव होगा, अध्यक्ष जी आज जिस तरीके से सभी अधिकारियों को अपने सिस्टम से नचाया जा रहा है, वो तो चल रहा है, एक एक काम को रोरा डालना, एक एक काम को प्रताड़ित करना, एक एक काम को सिस्टम अपने। आज ही सुबह हमारे क्षेत्र में एक इतनी बड़ी घटना घटी, एक मकान को बिना नोटिस, बिना सिस्टम के तोड़ दिया गया और कोई सूचना नहीं, सबसे पता है, सारी सिस्टम से चल रहा है। वंदना जी आप विषय से अलग जा रहे हैं। मैं सर इसलिए कह रही हूँ, जो आज जिस तरह से सदन की धज्जियां उड़ा जाए, ऑफिसर के माध्यम से इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। हम चुने हुए प्रतिनिधि कुछ भी नहीं है, हम चुने हुए साथी जो चुन के आते हैं, जो संविधान के माध्यम से चुने हुए साथी हैं, लोगों की बात को रखते हैं, लोगों की हर बात को सुनते हैं और लोगों के काम को करवाते हैं। आज हम सबके अधिकार को जिस तरीके से छीना जा रहा है, इसके लिए आज ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जो वहां पर बैठ के एक अधिकारी आदेश करेगा, जो हाँ भाई चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि, वहां पर सारे हमारे कमेटी के मेंबर चुन लिए जाएंगे, तो वो कैसे संभव है? या तो मेयर साहिबा बने, नहीं तो कोई हमारे निगम पार्षद बैठे, कोई चुना हुआ साथी बैठे। और ऑलरेडी वो 5 अक्टूबर को डिसाइडेड था, ऑलरेडी 5 अक्टूबर का दिन डिसाइडेड था, उसको आनन फानन में क्या आफत पड़ी, कौन सी ऐसी आफत पड़ी जो अभी तुरंत एक बैग 1 बजे का टाइम नोटिस कर दिया गया, 1 बजे का टाइम दे दिया गया। तो अध्यक्ष जी इसको किसी भी तरह से जल्द हम, मैं चाहती हूँ जो ये होना, कोई अधिकारी नहीं, चुना हुआ प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व सदन का करे, एमसीडी सदन का चुना हुआ प्रतिनिधि सदन को देखे और सदन को मैनेज करे। एक सेकंड में